हाय, आज मैं फिर से आई हूँ मेरे किचन पे। आज मैं बनाने वाली हूँ चिली चिकन। मेरे तरीके से बनाऊंगी, मैं इजी तरीके से बनाऊंगी। कमेंट बॉक्स में मुझे बार बार बोला है कि मेरे कोई दोस्त ने कि चिली चिकन बना के दिखाई है, तो आज मैं इसीलिए चिली चिकन बना रही हूँ। तो चलते हैं मेरे किचन पे और बनाते हैं चिली चिकन। 300 ग्राम चिकन लिया, उसको एकदम पतला पतला छोटे छोटे पीस कर लिया है। अब इसको हम मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट, 1 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच मैदा। अच्छी तरीके से मिलाना है। अब ये 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने देना है। तो चिल्ली चिकन बनाने के लिए प्याज को ऐसे ही काटना पड़ेगा, बड़े बड़े करके। और कैप्सिकम लिया है मैंने 2, उसको भी बड़े बड़े साइज के टुकड़ा कर लिया है। और एक ग्रीन ऑनियन पत्ता अलग काट लिया है, उसके व्हाइट पार्ट जो है वो भी अलग काट लिया है। लहसुन बारीक काट लिया है, हरी मिर्ची को भी ऐसे ही टुकड़े में काट लिया है, और जिंजर को भी ऐसे ही बारीक काट लिया है। ये काली मिर्ची कुटा हुआ है, और ये जो कॉर्नफ्लावर है, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर में 2 चम्मच पानी डाल के इसको घोल लिया है। और गार्निशिंग के लिए ऊपर से ये हरा धनिया पत्ता डालेंगे। मैंने ऑयल दे दिया है, ऑयल गर्म होते ही चिकन को पहले हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, चिकन डालेंगे हम एक एक करके। गैस की फुल रहेगा, हमें डीप फ्राई करना है चिकन को, ऐसे फ्राई करना है बिल्कुल गोल्डन गोल्डन होने तक। ऐसे बिल्कुल हमने चिकन को फ्राई कर लिया। कढ़ाई में ऑयल ले लिया 3-4 चम्मच और गरम कर लिया। अभी हम डालेंगे इसमें लहसुन के बारीक कटे हुए लहसुन, अदरक, मिर्ची 4 काट लिया था मैंने, और अभी ये ग्रीन ऑनियन की व्हाइट पार्ट। अभी हम डालेंगे कैप्सिकम, प्याज। पास्ता फ्राई होने के बाद अभी ग्रीन ऑनियन, इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। काली मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, थोड़ा सा हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। 1/2 चम्मच डार्क सोया सॉस, 1/2 चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे, 1 चम्मच टमाटो सॉस, 3-4 बूंद व्हाइट विनेगर। हम डालेंगे इसमें सारा फ्राई किया हुआ चिकन। एक चुटकी मम्मी वाला प्याज, नमक स्वाद अनुसार। अभी मिलाएंगे अच्छे से, डालेंगे ये 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर को 2 चम्मच पानी से जो हमने मिला के घोल के रखा था। फ्राई कर लिया हल्का सा, ये बन गया है। अभी हम डालेंगे ऊपर से ये ग्रीन ऑनियन थोड़ा सा, और ऊपर से डालेंगे और ये हरा धनिया बारीक कटा हुआ। ये बन गया है मेरा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन।
गैस बंद करेंगे और करेंगे प्लेटिंग। तो प्लेटिंग कर लिया मैंने और बना लिया चिली चिकन। कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत जन बताया थे, बहुत मेरे दोस्त ने, कि आप चिली चिकन बना के दो रेसिपी आपके स्टाइल में। तो मैंने बनाया आज मेरे स्टाइल में, मैं मेरे तरीके से बनाया आज। आप लोग भी ऐसे ही बनाओ, बहुत टेस्टी लगता है। और फिर मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाय।